कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भानुमती का पिटारा है। आप देखो कितने कैसा इनका गठबंधन है, कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों का गठबंधन है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी और कांग्रेस कहती है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हर राज्य में इनके हाल है। और इनका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। बहनों और भाइयों, भाइयों बहनों, कांग्रेस को वोट देने का मतलब आज के दिन पर मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। जो काम मुस्लिम लीग ने, जो काम 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने किया था, आज कांग्रेस वही काम करने जा रही है। उसका घोषणा पत्र तो देखो, उसका घोषणा पत्र कहता है कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और मार्केट नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर उन्हें दुबक के रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा करती है, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी सरिया कानून से भारत नहीं चलेगा। कांग्रेस की इन मंशाओं को पूरा नहीं होने देंगे। और वीर भूमि हिमाचल प्रदेश से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हमें कांग्रेस की मंशाओं को पूरा नहीं होने देना है।